हे यूट्यूब, वेलकम माय चैनल कॉस्टिक पार्टी। मेरा नाम है संदीप। गाइस, आज जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कई बार कि सर आप ऑडियो किस तरीके से रिकॉर्ड करते हो, वीडियो किस तरीके से रिकॉर्ड करते हो, कौन कौन से मैं इक्विपमेंट गेयर यूज़ करता हूँ। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि किस तरीके से आप अपना वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी छोटे से जुगाड़ से और छोटा सा बस खर्चा करके, इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छी क्वालिटी पे लेके आ सकते हो। और इस वीडियो में आपको इंजीनियरिंग के फायदे भी पता चलेंगे कि इंजीनियर होने का कितना बड़ा फायदा होता है, कि कैसे कैसे आपको जुगाड़ करने पड़ते हैं, वो आपको इस वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं ऑडियो और वीडियो किस तरीके से रिकॉर्ड होता है छोटे से बजट में और जुगाड़ से, ओनली ऑन कॉस्टिक पार्टी। कमिंग अप नेक्स्ट। दोस्तों, सर्च कीजिए मेरे चैनल कॉस्टिक पहाड़ी, उसके बाद आप सब्सक्राइब बटन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते इस बेल पे क्लिक करना ना भूलिएगा। जब ये बेल कुछ इस तरीके की दिखाई देगी आपको, तब आपको मेरी वीडियोस के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो दोस्तों, आप रेडी हैं सेटअप देखने के लिए? तो देखो, मैं अपने कैमरे को पैन करता हूं और सबसे पहले आपको रूम दिखाता हूं। ठीक है दोस्तों, ये देखो, ये एंट्रेंस डोर है, यहां से मैं अंदर आता हूं भाई साहब। ठीक है, इसके बगल में देखो मैंने एक गद्दा लगाया है बड़ा सा। ठीक है, ये सामने मेरी टेबल है जहाँ पे मैं प्रोडक्शन का काम करता हूँ, जहाँ पे मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। अब जो आपको मैं दिखाऊंगा, आपको यकीन नहीं होगा देख के कि आपको असली में इंजीनियर की ताकत का मालूम होगा। ये देखो मेरा पूरा रूम, देखो इधर भी एक गद्दा लगा है, सामने एक गद्दा लगा है। ठीक है, और ये सामने वाली दीवार है, मतलब इसके अपोजिट, जस्ट इसके अपोजिट है पीछे। ये देखो तीन गद्दे लगाए हैं। ठीक है, एक दो तीन गद्दे, राइट। फिर आप इस तरफ देखो, इस तरफ मेरी शेल्फ है जो वुडन की है, और जैसे कि आपको पता है कि जो लकड़ी है वो साउंड को काफ़ी अच्छे से अब्जॉर्व करती है, इसलिए मैंने गद्दा नहीं लगाया। उसके बाद ये फिर से दोबारा एंट्रेंस डोर आ गया और फॉलोड बाय वही गद्दा जो पहले आपको दिखाया था। दोस्तों, ये तो मैं यूज़ करता हूँ साउंड के लिए, कितना फ़र्क पड़ता है आवाज़ में वो आपको मैं सुना देता हूँ। दोस्तों, अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो मेरा DSLR का डायरेक्ट माइक है, उस पर कोई भी मैंने माइक को कनेक्ट नहीं किया है, वो इनबिल्ट माइक है जो DSLR के अंदर होता है। और अब जो आप आवाज़ सुनोगे वो इस रूम का जुगाड़ लगाने के बाद और माइक लगाने के बाद इस तरीके से साउंड करेगा। तो देखो दोस्तों, आपने कितना ज़्यादा फ़र्क है ऑडियो में। जब ये रूम पूरा खाली था, यहाँ पे जब इको हो रहा था तो उस समय पे ये गद्दे नहीं लगे थे, तो मैंने यहाँ पे खाली करके एक बार रिकॉर्ड की थी, जो इससे पहले आपने आवाज़ सुनी थी वो खाली करके थी, और जो आवाज़ अभी आप सुन रहे हो वो माइक प्लस गद्दे लगा के है। लेकिन वो जो खाली पे मैंने रिकॉर्ड किया था वो बिना माइक के किया था, उस पर माइक लगा के मैं रिकॉर्ड कर रहा था, माइक का वॉल्यूम तो बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन पीछे एक बहुत बड़ा सा इको आ रहा था जो बहुत ही अननेचुरल साउंड कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा हमिंग हो रही थी उसमें, इको बार बार टकरा के वापस आ रही थी और एक रिवर्ब वाला इफेक्ट लग रहा था, जिसे इको इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इको बंद करनी है बिल्कुल, अपने वॉल्यूम में एकदम टाइटनेस लेके आनी है, एकदम बिल्कुल भारी सी आवाज़ चाहिए, तो आपको ये सारे जुगाड़ लगाने पड़ेंगे, गद्दे लगाने पड़ेंगे। अगर आपकी दीवारें वॉल पर कुछ नहीं लगाएं तो साउंड बार बार टकराएगी, इधर से उधर इधर से उधर रैंडम टकराएगी, और वो इको जनरेट करता है, जिसकी वजह से आवाज़ बहुत ही अलग सुनाई देती है, बहुत ही भद्दी सुनाई देती है। यहाँ पर मैं बैठता हूँ, देखो ये है चेयर, ये चेयर है, इस चेयर पे मैं बैठता हूँ। ठीक है, और इस चेयर के सामने यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने माइक लगाया है ऊपर, देखो ये रहा, ये माइक मैंने लगाया दोस्तों, ये वाला माइक। ठीक है, ये रोड का माइक है दोस्तों, ये स्टैंड भी मैंने लिया है और ये माइक मैं यूज़ करता हूँ, ये रोड का माइक है। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं इसको आपको निकाल के ज़रूर दिखाऊंगा। रिकॉर्डिंग टाइम पे वो माइक क्यों नहीं दिखता, क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग एंगल ये वाला होता है कभी भी। ठीक है, ये वाला होता है और माइक आपको जस्ट यहाँ पर नजर आएगा, ये रहा, ये लगा हुआ माइक इतनी हाइट पर, इफ़ यू वॉन्ट टू सी, देखो इतनी हाइट पे माइक लगाया हुआ है एग्जैक्टली यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा अगर आपको ये माइक लेना है तो। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात, वो सामने मेरा ट्राईपॉड है कैमरे का, ये ट्राईपॉड देखो आप, ये है मेरा ट्राईपॉड, ये ट्राईपॉड मैंने अमेजन से लिया था दोस्तों। ठीक है, आप भी इसको ले सकते हो। ठीक है, तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोज़ में। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों लाइटिंग की, और लाइटिंग का आपको बताऊं, ये देखो ये जुगाड़ लगा रखा है यहाँ पर भी, यहाँ से एक वायर आपको दिख रहा है, ये वायर देखो आप, ये वायर जा रहा है, ये वायर को देखो आप, ये वायर से ऊपर मैंने लाइटिंग के लिए देखो ये यूज़ किए हैं। ठीक है, घरेलू बल्ब, और ये वायर मैंने लंबे से एकदम इसको पैरेलल कनेक्शन दिया है। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में सारे के सारे कनेक्ट कर दिए हैं, देखो आपको दिख रहा होगा, एक दो तीन, ठीक है चार पाँच एक्स्ट्रा बल्ब लगाए हैं। ठीक है, ऊपर की ट्यूबलाइट आपको दिख ही रही है, वो सामने जो ट्यूबलाइट है। ठीक है, पांच एक्स्ट्रा बल्ब और एक ट्यूबलाइट से मेरा काम चल जाता है, पूरे कमरे में अच्छी खासी रोशनी हो जाती है।
ठीक है दोस्तों, ये लो दोस्तों, ये इसका रोड का व्यू है जब मैंने ये निकाल दिया है। इसे विंडशील्ड बोलते हैं इसका, ठीक है, क्योंकि ये एयर को रोकता है, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया है। और ये एक्चुअली शॉटगन माइक है। इसमें जो वायर कनेक्ट हो रहा है, जो वाइट वाला आपको वायर दिख रहा है, ये वाइट वाला वायर ये नीचे होते हुए सीधा मेरे DSLR में जाता है उधर, ठीक है, एक्चुअली उसमें जाता है, सामने जो आपको दिख रहा है ना ये वाला, इसमें मेरा जाता है, इस डी उसके ऊपर मेरा DSLR माउंट रहता है। और इस पे एक्चुअली वो वाइट वायर कनेक्ट होता है, अभी वो डिसकनेक्टेड स्टेट में, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये उसका जैक है, ठीक है, डिसकनेक्टेड स्टेट में अभी, क्योंकि मैंने निकाला हुआ है। तो वीडियो के लिए अब मैं कैसे देखूँ, ये देखो अभी मैंने वीडियो का सेट बना दिया, वो सामने मेरा सेटअप रहता है, ठीक है, और ये मेरा DSLR पे ये वाला एंगल मैं सेट करता हूँ, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दिस एंगल आई सेट ऑन माई DSLR। और ये जो आपको केबल दिख रहा है, ये केबल नीचे होते हुए मैंने आपको बताया था उस स्टैंड पे जाता है, ये वाला जो स्टैंड दिख रहा है ब्लैक वाला, ठीक है, और इस पे मेरा रोड का माइक लगा है दिख रहा है आपको, ठीक है। इस पे मैंने अभी विंडशील्ड निकाल दिया है, इस माइक से मेरी आवाज़ रिकॉर्ड होती है, आवाज़ और गिटार दोनों अच्छे से रिकॉर्ड हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से मेरा DSLR सामने रिकॉर्ड करता है वीडियो, वहाँ पर मैं उस चेयर पर बैठता हूँ, ग्रीन वाली चेयर पर, ठीक है दोस्तों। ये आप देख लो, इसमें इस तरीके का मैं एंगल बनाता हूँ ताकि ये गद्दा ना दिखे और वो गद्दा ना दिखे, ठीक है दोस्तों। ये तो अपना अपना जुगाड़ है। और अब आप बोलोगे मैं कौन सा DSLR यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मेरे पास निकॉन का D3300 मॉडल है, बहुत पुराना हो गया मेरे पास, ठीक है, अभी मैं अपग्रेड नहीं करूँगा क्योंकि इससे मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, ठीक है, काफ़ी अच्छा DSLR है ये निकॉन का, बहुत अच्छा मतलब मुझे आउटपुट देता है, तो मैं इसलिए इसको यूज़ कर लेता हूँ। और दोस्तों आपको एक बात कहना भूल गया हूँ, एक बात और बताना भूल गया कि जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा था आपको DSLR दिखाते हुए, वो एक्चुअली माइक से नहीं है, क्योंकि ये तो DSLR में कनेक्ट रहता है ना, ये वाला माइक DSLR पे कनेक्ट रहता है। अभी जो मैं वॉल्यूम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो इससे कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला माइक का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये भी बहुत अच्छा माइक है और ये मोबाइल्स के लिए खासकर है, ठीक है, आप वॉइस क्वालिटी में देख रहे हो कितना ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, इसका कॉस्ट बहुत कम है, ये शायद 800 या 900 रुपये का है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये गिटार की और आपके वोकल की साउंड एक साथ नहीं लेगा कभी भी, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन फंक्शन है ऑटोमेटिक इंटरनल, वो क्या करता है, वो क्या करता है, आपका वोकल को और आपके गिटार जो आप साइड बाय साइड प्ले कर रहे हो ना, उनको दबाएगा, कभी आपके वोकल को दबाएगा, कभी आपके गिटार को दबाएगा, ठीक है। तो अगर आपका मोटिव व्लॉग बनाना है, या आप में से बहुत सारे लोग व्लॉग बनाना चाहते हैं मेरी तरह, अगर ऐसे खड़े होके बस केवल लोगों को चीज़ें दिखा रहे हैं, तो ये माइक बेस्ट है। लेकिन किन्हीं भी जहाँ पे दो चीज़ें बज रही हैं ना, ये माइक वहाँ पे बेस्ट नहीं है, ठीक है, आप उसको लेने की सोचना भी मत, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिकली नॉइज़ कैंसिलेशन हो जाएगा, आपका कभी गिटार दबेगा, आपका कभी वॉल्यूम दबेगा, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो ये सोच के कभी ये माइक मत लेना कि मेरा गिटार भी इसी में साउंड करेगा और मेरा वॉल्यूम भी इसमें साउंड करेगा, ये गलत है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। ये मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, भुगत चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और ये जो मैंने आपको माइक बताया ना, रोड का शॉटगन माइक, ये बहुत तगड़ा माइक है, ये यूनिडायरेक्शनल है। शॉटगन माइक यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यूनिडायरेक्शनल मतलब जो इनके आगे बज रहा है वो ये सबके सब उठा लेंगे, सबके सबको किडनैप कर लेंगे, ठीक है। मतलब ये आपका गिटार भी पिकअप करेंगे, उसके पीछे कोई गाना गा रहा है बाथरूम में उसको भी पिकअप करेंगे, और आपकी वॉल्यूम भी पिकअप करेंगे, ठीक है, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसके पीछे कोई गा रहा है तो उसकी वॉल्यूम ये ज़रूर कैप्चर करेगा, लेकिन कम लेवल पे, बहुत कम करेगा। वीडियो में एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, कि जहाँ पे आपके रूम में ना, कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर वीडियो बनाता हूँ लेकिन उसमें ग्रेन इफेक्ट आता है। ग्रेन समझते हो आप, ग्रेन क्या होता है, वीडियो आप एक बगल में एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मेरा ही वीडियो देखो, उस एग्जांपल में आप क्लियरली देखो कि वीडियो क्लियर नहीं है, उसमें ग्रेन इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। ग्रेन मतलब क्या होता है कि वीडियो में छोटे छोटे दाने टाइप के आपके आएंगे, ठीक है, बेसिकली उसको टर्मिनोलॉजी में दाने दाने नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वो ग्रेन्स टाइप के आपको दिखाई देंगे, ठीक है, डॉट डॉट करके दिखाई देंगे बहुत सारे, उसे ग्रेन्स बोलते हैं, वीडियो क्लियर नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। आप ग्रेन इफेक्ट दो चीज़ों से हटा सकते हो, ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, एक सिंपल सा आपको फंडा बता रहा हूँ कि रूम में लाइटिंग सफिशिएंट रखो, ठीक है, क्योंकि मैंने लाइटिंग सफिशिएंट इसलिए रखी है क्योंकि मेरे रूम पे भी ग्रेन पैदा होता था, ऐसा वीडियो बनता था, तो इसलिए मैंने, मुझे नहीं पता लगा, मैंने भी यूट्यूब देख के दूसरों से देख के कि क्या वो जुगाड़ करते हैं, इसलिए मैंने लाइटिंग को बढ़ा दिया। अगर आप लाइटिंग को बढ़ा दोगे तो आपका ग्रेन इफेक्ट एकदम खत्म हो जाएगा, वीडियो क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी निखर के आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई गेस आपको ये वीडियो से कुछ तो आपको नॉलेज मिला होगा कि किस तरीके से आपको अपना ऑडियो और वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करना है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है, आप एक माइक कोई भी ले लो, लेकिन अगर आपको माइक के साथ साथ उसका पूरा इफेक्टिव आउटपुट लेना है माइक का, तो आपको ये सारे जुगाड़ लगाने पड़ेंगे। एक बात याद रखो, माइक लेने से काम नहीं चलता है, माइक के साथ साथ आपको
एकॉस्टिक पैनलिंग भी करनी पड़ती है इनको, एक्चुअली फिजिक्स के टर्म में एकॉस्टिक पैनलिंग बोलते हैं, ठीक है। एकॉस्टिक ट्रीटमेंट बोला जाता है बेसिकली, कि आपने रूम का एकॉस्टिक ट्रीटमेंट करवाया है। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ऑफिशियली कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये उस हद तक है, ठीक है, क्योंकि बहुत फ़र्क है। आपने देख लिया ऑडियो में कितना ज़्यादा फर्क है, और मैंने तो फिजिकली देखा है, क्योंकि जब मैंने किया खुद तो मुझे यकीन हुआ कि हाँ यार काफ़ी फर्क पड़ता है। आप में से बहुत पहले लोगों ने देखा होगा कि मैं अंडे की ट्रे लगाता था, पूरे रूम में अंडे की ट्रे लगा देती मैंने, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज क्या था कि अंडे की ट्रे होती है पतली, थिन होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसलिए क्या है कि उतनी ज़्यादा साउंड को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। लेकिन ये गद्दे इतने इतने मोटे मोटे, ठीक है, मैंने पूरे घर के गद्दे उठाए और सारे अपने रूम में फिक्स कर दिए, ठीक है, तो इसलिए साउंड इतनी भारी भारी सुनाई दे रही है आपको, ठीक है दोस्तों। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है गिटार से रिलेटेड, एकॉस्टिक अंडरस्कोर पहाड़ी इस माय ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी, आप वहाँ पे मुझे कोई भी मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फेसबुक पे जाइए, एकॉस्टिक पहाड़ी पेज को सर्च जरूर कीजिए और उसे लाइक करना ना भूलिएगा। विल बी कमिंग बैक सून विद मोर सॉन्ग्स एंड मोर लेसन्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।